अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका उस्मान अब्दुल हौरी और ये है Realme C25s। Realme की C सीरीज़ का एक लेटेस्ट बजट फ़ोन जो लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान के मार्केट के अंदर। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो दो वेरिएंट्स आ सकते हैं, 464 वाला और 4128 वाला। और रिसेंटली 464 वाले वेरिएंट की प्राइस रिवील की है Realme ने अपने इंस्टा हैंडल के ऊपर, और 23 प्राइस है, 21 में मिलेगा। 26 अगस्त से 30 अगस्त तक इसकी सेल रहने वाली है। अगर कोई लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो प्राइस को देखते हुए जो मेरे इनिशियल इंप्रेशन है ना, Realme इज बैक अगेन एंड इट्स नॉट कमिंग स्लो। तो प्राइस काफी अच्छी है, और जो ऑफलाइन में वेरिएंट आएगा 4128 वाला, उसकी भी प्राइस कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी चलता हूं मैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं क्या पैकेज ऑफर किया जा रहा है और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे निकल के आते हैं। ओके जी, ये है यहां पे बॉक्स Realme C25s का कुछ येलो कलर के अंदर, और बैक साइड पे डिवाइस के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो सबसे ऊपर हमें कि ये येलो कलर का वेलकम फोल्डर मिल जाता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सिम इंजेक्शन टूल आपको मिल जाता है। फर्दर अगर देखें तो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस मिल जाता है ब्लैक स्टोन के अंदर। और अगर उसके बाद देखें तो डब्बे में हमारी डिवाइस पड़ी हुई है, इसको अभी साइड पे कर देता हूं। फर्दर देखते हैं तो यहां पे आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद आपको एक टाइप सी की डेटा केबल देखने को मिल जाती है, एंड दैट्स अबाउट इट। डब्बा हो गया खाली। तो डिवाइस की तरफ आते हैं, इसको मैं रैपर से निकालता हूं ताकि इसकी क्लियर लुक हम ले सकें। तो ये है दोस्तों Realme C25s की फर्स्ट लुक और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। वाटर ग्रे कलर है फर्स्ट लुक के अंदर, जो डिवाइस है अच्छी लग रही है मुझे। और टिल्ट करने के ऊपर एक वाटर वेव टाइप यहां पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इसी वजह से पानी के साथ इसका कनेक्शन बनाया गया है। और इस कलर के अलावा इसका वाटर ब्लू कलर भी अवेलेबल होगा। अगर बैक साइड के डिजाइन की बात करें तो मैट टाइप की फिनिश आपको देखने को मिलती है, बारीक सी लाइनिंग टाइप इफेक्ट है जिनको रिजेस भी कहते हैं, मैं आपको सुनवाता हूं। ये देखें तो ये यहाँ पे सीन है, फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ते, स्मजेस नहीं पड़ते, आप विदाउट केस भी यूज़ कर सकते हो। डब्बे के अंदर बाय द वे केस मिल जाता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, उसको यूज़ किया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे उन लाइटर नोट्स में सुजेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो डिवाइस है ना सी सीरीज़ की, काफ़ी कॉमन सा डिज़ाइन हो गया है, ऑलमोस्ट उसी डिज़ाइन के साथ डिवाइसेज आ रही हैं। तो एटलीस्ट अब रियलमी को चाहिए कि अपनी जो सी सीरीज़ की डिवाइसेज है ना, उनके डिज़ाइन लैंग्वेज को थोड़ा सा इनोवेट करे, ताकि उनके फैंस का, उनके यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और इन्हेंस निकल के डिवाइस को, डिज़ाइन को लेकर। अब ये जो डिवाइस है इसकी मेन हाईलाइट इसकी एक बिग बैटरी भी है 6000 mAh की, जिसकी वजह से डिवाइस का जो इन एंड फील है, डिवाइस हैवी फील होती है थोड़ी सी, बस ठीक है, कंप्रोमाइज हो जाता है जाहिर है गेमिंग के साथ जब बैटरी का कम्बिनेशन बनता है। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए डिवाइस की थिकनेस भी 9.6 mm है, थोड़ी ज़्यादा है, बड़ी बैटरी को एडजस्ट करना था। वेट अराउंड 209 ग्राम के निकल जाता है इस डिवाइस का। और अगर मैं कुछ फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो टाइप सी पोर्ट नीचे वाली साइड पर मिलती है, स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसिलिंग माइक के साथ ऑडियो जैक मिलता है, ऑन द राइट वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, पावर की मिलती है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऑन द लेफ्ट आपको सिम ट्रे मिलती है जो एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। अब इस डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो बैक साइड के ऊपर देखने को मिलता है। इसकी जो स्पीड है उसको मैंने टेस्ट किया है, काफी फास्ट है और काफी एक्यूरेट है, और जो फेस आईडी है वो भी मुझे अच्छे से काम करते हुए नजर आई। डिस्प्ले इस फोन के अंदर मिलता है 6.5 इंचेस का, ये एक IPS LCD पैनल है, 720p के रेजोल्यूशन है, 270 की PPI डेंसिटी के साथ आता है ये, और 480 निट्स की ब्राइटनेस है और 570 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। मतलब आउटडोर विजिबिलिटी Realme के फोन्स को लेके कोई ऐसा इशू नहीं है, इवन इनके बजट रेंज के जो फोन्स हैं उनकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले रहता है, कोई इशू नहीं आता जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी एक चीज़ को मैंने मिस किया यहाँ पे, कि अगर 720p रेजोल्यूशन के साथ 90Hz का कम्बिनेशन बनाया जाता तो वो अच्छा था, या फिर अगर स्टैंडर्ड 60Hz के साथ जाना था तो 1080p रेजोल्यूशन को कंसिडर किया जा सकता था। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने वीडियो कंज्यूम करके देखी और ठीक निकल के आ रहा था, कोई इशू नहीं था, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे थे, कलर्स वगैरह हर चीज़ अच्छी नजर आ रही थी इसके ऊपर। सिंगल स्पीकर आपको नीचे वाली साइड के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसका जो साउंड और लाउडनेस क्लैरिटी है ना, मैं कहूंगा ठीक थी, ना बहुत ज्यादा लाउड थी ना बहुत ज्यादा कम थी। और डिस्प्ले के ऊपर किसी भी टाइप की प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है इस तरह की कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक प्री अप्लाइड पेपर प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है इसके ऊपर। और ये डिवाइस TÜV Rheinland सर्टिफाइड है, मतलब ये जो TÜV Rheinland है ना, जर्मन की एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल बॉडी है जो डिवाइसेज को डिफरेंट टाइप के टेस्ट करती है और एक सर्टिफाई करती है उसकी क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी को, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। और जो परफॉर्मेंस इस डिवाइस की वो मेन हाईलाइट है, यहाँ पे आपको Helio G85 का चिपसेट मिलता है जो एक पावरफुल और एक गेमिंग चिपसेट है।
अगर मैं गेमिंग के हट के बात करूँ ना, डे टू डे रूटीन टास्क है, किसी भी तरह का हैवी टास्क आप करते हैं लाइक एडिटिंग वगैरह भी कोई करनी है आपको, तो अच्छे से हैंडल कर लेगा, कोई इशू नहीं इसके अंदर आने वाला, कोई हैंग या लैग का इस तरह का, क्योंकि एक चिपसेट अच्छा है इसके अंदर। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर गेमिंग किसके ऊपर पबजी वबजी खेली है, और जो ग्राफिक्स हैं वो स्मूथ विद अल्ट्रा 40 FPS जाते हैं आपको पता है, और ये कि अच्छा गेम प्ले है, और जो जायरो है मुझे लगता है दिल को तसल्ली देने वाला है, और लेकिन जायरो की जो मूवमेंट्स हैं वो फास्ट हैं, मुझे डाउट पड़ रहा था कि इसके अंदर हार्डवेयर वाला है कि सॉफ्टवेयर वाला है, लेकिन अभी के लिए जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है मुझे वो सॉफ्टवेयर वाला जायरो लग रहा है। और बाकी अगर आप मुझे कहेंगे इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाने को या पबजी रिव्यू बनाने को, तो डेफिनेट मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा गेमिंग के ऊपर, ताकि आपकी जो सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएं। रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो मुझे लगता है अभी एक ही वेरिएंट आएगा, 4GB रैम 128GB स्टोरेज। रैम LPDDR4X वाली है, और जो स्टोरेज है ये eMMC 5.1 वाली आपको देखने को मिलती है, और अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ट्रिपल कट स्लॉट आपको इस डिवाइस में मिलती है, आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कैमराज की बात करें तो बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है Realme C25S के। प्राइमरी सेंसर 48 MP का, बेसिकली 12 MP का सेंसर होता है, पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। 2 MP के साथ में डेप्थ है, 2 का मैक्रो आपको देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे इनिशियल कैमरा सैंपल्स हैं इसके मेरे पास, मैंने कहा आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखा दूं। मैंने नॉर्मल मोड के अंदर भी फोटोज को क्लिक किया, मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी फोटोज को क्लिक किया, तो जो भी क्वालिटी डिटेल्स हैं आपको देखने को मिल रही हैं, और कुछ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी मैंने पिक्चर्स को क्लिक किया, तो ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है कोई क्वालिटी के ऊपर वीडियो के कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस फोन के फुल रिव्यू के अंदर। और बैक साइड से जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, मैक्सिमम 1080p 60 FPS तक कर सकते हो आप, और स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फ्रंट पे आए तो 8 MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर, और ये यहाँ पे सेल्फी के सैंपल हैं। नॉर्मल मोड के अंदर मैंने सेल्फीज को क्लिक किया, और मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सेल्फीज वगैरह को क्लिक किया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपका जो फीडबैक है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और सॉफ्टवेयर मिलता है एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके ऊपर Realme UI 2.0 रन करती है। अब Realme UI को जितना मैंने जिन डिवाइसेज के अंदर टेस्ट किया है, मैं कह सकता हूँ एक काफ़ी हद तक स्टेबल UI है, काफ़ी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन इक्का दुक्का मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफी हद तक बेटर निकल के आता है, मतलब इस रेंज के अंदर जो दूसरी UIs है ना उनके मुकाबले में काफी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अभी के लिए तो ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है, इसको मैं टेस्ट करूंगा लॉन्ग रन के अंदर, बाकी जो मेरे निकल के आएंगी चीजें अंदर की बाहर तो डेफिनेट मैं उसके ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा। और एक बिग बैटरी है 6000 mAh की, परफॉर्मेंस के साथ एक बड़ी बैटरी का कम्बिनेशन हो तो काफ़ी सॉलिड कम्बिनेशन बनता है। अगर परफॉर्मेंस मिल रही हो, बैकअप अच्छा ना मिल रहा हो, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो एक तो बिग बैटरी है, दूसरा 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। अब चार्जिंग कितना टाइम लेती है इसकी बैटरी को 0 to 100 चार्ज करने में, ये चीज़ें होती हैं रिव्यू के अंदर टेस्ट करने की, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा फुल रिव्यू में। बाकी इसका यह है कि मुझे लग रहा है नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ भी अगर जाते हैं तो 1.5 से 2 दिन का बैकअप आराम से मिलेगा। तो इसके अंदर डिवाइस में आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, तो ऐसे पावर बैंक भी इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, अगर कोई दूसरा फोन फोर्थ होने वाला हो तो ये उसको थोड़ा सा सर्वाइव भी करवा देगा। तो अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूं तो Realme C25S इसके 4/64 वाले वेरिएंट की प्राइस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी, और देखना ये होगा कि 4/128 वाले की प्राइस क्या आती है अगर ऑफलाइन में ये आता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अग्रेसिव प्राइस को देखते हुए ना छोटे भाई की, तो बड़ा भाई भी मुझे 25 के आसपास ही कहीं पे होने वाला है। तो बहरहाल ये बजट रेंज के ऐसे यूज़र जिनको हैवी टास्क परफॉर्म करने हैं उनके लिए डिवाइस है, या फिर जो गेम लवर्स हैं बजट रेंज के अंदर जिनको गेमिंग के साथ साथ एक बड़ी बैटरी का कम्बिनेशन भी चाहिए और साथ में 48 MP कैमरे का कम्बिनेशन भी चाहिए, तो ये डिवाइस मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर एक सॉलिड ऑप्शन बनती भी नजर आ रही है। बाकी ये है कि कुछ दिन हो गए इस डिवाइस को मेरे पास आए हुए, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, 1-2 दिन और यूज़ करूँगा और आपको मैं क्विक इनिशियल रिव्यू दे दूंगा, ताकि आपको फर्दर यहाँ पे क्लियर हो जाए कि डिवाइस कहाँ पे स्टैंड करती है। और डिवाइस आपको कैसी लगी बाय द वे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।